बुद्धि, बालक बुद्धि, बालक बुद्धि, ये एक ऐसा नाम है जो आज के टाइम में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये नाम किसके लिए बोला गया और किसने बोला, ये मुझे बताने की और आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। आप सभी जानते हैं, आप सब समझदार हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों हमारे माननीय और सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, कल लोको पायलट, भारतीय रेलवे के लोको पायलटों से इन्होंने एक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वो खुद कटघरे में खड़े हो गए। जमकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे और तरह तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या है ये ट्रोलिंग, क्या इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आज इस विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी हिंदुस्तान पर कब्जा करने की। तो रणनीति थी फूट डालो शासन करो, मतलब लोगों के अंदर फूट डाल दो, उसके बाद उनको आपस में लड़ाओ और फिर उनके ऊपर राज करो। ऐसे ही आजकल कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है और हमारे देश के अंदर ये काम हमारे देश के राजनेता कर रहे हैं। उनका काम क्या कर रहे हैं, वो आजकल उन लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का कर उकसा रहे हैं ताकि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ें और उसके बाद ये अपनी राजनीतिक रोटियां उनके ऊपर सेक सके। दोस्तों राहुल गांधी कल भारतीय रेलवे के लोको पायलटों से मिले, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करी। ये बहुत अच्छी बात है, अगर एक नेता ग्राउंड लेवल पर जाके आम जनता से उनकी परेशानी सुनता तो बहुत अच्छी बात है। परंतु इस वीडियो के बाद ना वो खुद गिर गए हैं। गिर इसलिए गए हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने भी दावे करे गए हैं वो लगभग सारे झूठे हैं। दोस्तों इस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साथ में लिखा, नरेंद्र मोदी की सरकार में लोको पायलट्स के जीवन की रेल पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। गर्मी में खोलते कैबिन में बैठकर लोको पायलट 16-16 घंटे काम करने को मजबूर हैं। जिनके भरोसे करोड़ों जिंदगियां चलती हैं, उनकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रह गया है। आगे वो लिखते हैं, यूरिनल जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित लोको पायलट के ना कामों के घंटों की कोई लिमिट है और ना ही उन्हें कोई छुट्टी मिलती है, जिसके कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूटकर बीमार हो रहे हैं। दोस्तों आगे वो लिखते हैं कि ऐसे हालात में लोको पायलट से गाड़ी चलवाना उनकी और यात्रियों की जान को जोखिम में डालना है। इंडिया लोको पायलट्स के अधिकारों और वर्किंग कंडीशन को बेहतर किए जाने के लिए संसद तक आवाज उठाएगा। इस छोटी सी चर्चा को देखकर आप भी उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे कच्चे चिट्ठी के अंदर उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। इन्होंने जब वहाँ पे लोको पायलटों से पूछा कि वो लोग कितने घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने बोला जी 10 से 11-12 घंटे। वो ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बकायदा उन्होंने 12 घंटे 14 घंटे ये बोला है। राहुल गांधी जी ने उनको बढ़ाकर 16-16 घंटे कर दिया। चलो पहली बात तो ये संभव ही नहीं है। रेलवे के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। 8 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है लोको पायलट्स की, पर जब लोको पायलट्स ट्रेन लेने के लिए निकलते हैं, जब वो स्टेशन पर पहुंचने वाले थे, और आपको पता है कि हिंदुस्तान में अक्सर ट्रेनें लेट होती हैं, हमारे यहाँ अक्सर ट्रेनें 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा लेट चलती हैं। ये हमारे यहाँ एक रिवाज ही है, भारतीय रेल कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचती है। जब ट्रेन लेट होगी तो लोको पायलट तो ऑटोमेटिकली लेट हो ही जाएगा, उसकी ड्यूटी जो है वो 2 घंटे एक्स्ट्रा हो ही जाएगी। खैर मैं उसके लिए भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक लोको पायलट होता है उसकी सैलरी कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये होती है। उसके अलावा जो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है उसकी सैलरी भी 50 से 60 हज़ार होती है। ये तो सैलरी फिक्स है ही, उसके आगे अगर उनकी प्रमोशन होती है तो सैलरी भी बढ़ती है। और एक बड़ी हैरानी की बात आपको और बताता हूँ कि जितने भी हमारे लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं इनको पर किलोमीटर रेलवे पैसा भी देती है, मतलब सैलरी के अलावा इनको पर किलोमीटर एक कमीशन भी दिया जाता है, इंसेंटिव जिसको आप बोल सकते हैं। तो रेलवे अगर वो लोग लेट भी होते हैं तो उसके एवज में उनको इंसेंटिव देती है, और ये आप किसी भी लोको पायलट से पूछ सकते हो, वो भी आपके बात बता देगा। तो ये बात इन्होंने अपने इस वीडियो में नहीं बताई, ना ही उन्होंने लोको पायलट से ये बात पूछना कि भैया उनको कमीशन या इंसेंटिव मिलता है कि नहीं। अब बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के लोको पायलट हैं वो 16-16 घंटे गर्मी वाले कैबिन में अंदर बैठ के काम करते हैं। तो मैं राहुल गांधी को ये बता दूं कि राहुल गांधी जी, हमारे देश में जब से लोको इंजन आ रहे हैं, ट्रेन के जो इंजन आ रहे हैं उनमें शुरू से ही एक पूरा पीछे पूरा इंजन होता है और आगे एक छोटी सी जगह होती है जिसमें ड्राइवर ट्रेन को चलाता है। उस कैबिन के अंदर AC तो लग ही नहीं सकता,
वो संभव ही नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लोको पायलट उसमें बैठ के काम कर रहा, मानते हैं कि एक समस्या गर्मी के अंदर वो बैठ के वहां पे उस ट्रेन को चला रहे हैं, ये गंभीर समस्या है क्योंकि इंजन की भी गर्मी होती है और गर्मी के मौसम में तो वैसे भी गर्मी है तो डबल गर्मी की उनको मार पड़ती है। पर राहुल गांधी जी, इस बात का आप मुझे जवाब दें कि जो भारतीय रेलवे के अंदर जो लोको पायलट आए हैं, क्या उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है? क्या कांग्रेस एसी वाले, जब कांग्रेस का राज था तो उस टाइम में कांग्रेस ने एसी कैबिन वाले इंजन क्यों नहीं मंगाए रेलवे के? आज आप मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो ये उंगली आपके ऊपर भी तो उठती है। जब आपका रास्ता उस टाइम में आपने लोको पायलट के जो लोको इंजन होते हैं, ट्रेन के जो इंजन होते हैं, वो एसी वाले आपने क्यों नहीं मंगाए? आज आप मोदी सरकार के ऊपर उंगली खड़ी कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर कि भैया आप बिना एसी वाले जो इंजन है वो आप लोको पायलट को दे रहे हैं, तो उसमें आपकी जब सरकार थी तो आपने उसमें एसी क्यों नहीं लगाया? चलो ठीक है, हो सकता है आपके ज़माने में एसी ना चलते हो। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो जो ट्रेन का इंजन होता है उसके अंदर वॉशरूम नहीं होता, मतलब यूरिनल नहीं होता, कि भाई अब लोको पायलट को अगर बाथरूम जाना है तो वो कहाँ जाएंगे? वो मानते हैं उसमें वो जगह है भी नहीं और वो बनाई भी नहीं है। परंतु अभी जो मोदी सरकार के राज में जो जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं उनमें अधिकतर में एसी कैबिन है, ठीक है, जितने भी लोको पायलट उनको एसी कैबिन मिलते हैं, बाथरूम उनके अंदर नहीं है वो भी मानते हैं। पर बाथरूम की समस्या कोई इतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं है क्योंकि हर कुछ किलोमीटर बाद स्टेशन आता है और हर स्टेशन पर ट्रेन 5-7 मिनट खड़ी होती है, तो जो हमारे जो लोको पायलट्स हैं वो लोग वहाँ स्टेशन पर आके बाथरूम कर लेते हैं, ये ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। समस्या है ठीक है, पर उसके अंदर बाथरूम बन नहीं सकता, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी लोको पायलट इस चीज़ को लेके परेशान होगा। खैर, ये आपका अपना मुद्दा है क्योंकि मुझे लगता है कि लोको पायलट से ज़्यादा राहुल गांधी जी आप परेशान हैं, आप अपनी राजनीति जो चमकानी है आपको। खैर, ये तमाम इल्ज़ाम उन्होंने मोदी सरकार पर लगाए, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो ये सारी सुविधाएँ आपने क्यों नहीं दी? जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में आपने क्यों नहीं लोको इंजन के अंदर एसी लगवाए या पंखे लगवाए? आपने क्यों नहीं उनके अंदर बाथरूम बनवाया? आपकी भी तो सरकार थी, आप भी तो सरकार में, आप कांग्रेस ने काफ़ी टाइम सरकार में रखे, राज कराया, तो आपकी जब सरकार थी तब आपने क्यों नहीं ये सुविधाएं दी? और आज मोदी सरकार के ऊपर आप लोग हाथ उठा रहे, जबकि अब जितनी भी नई ट्रेनें आ रही हैं उनके अंदर बाकायदा एसी लगे हुए हैं, बाथरूम उनमें अभी भी नहीं है, पर वो इतनी भयंकर या इतनी गंभीर समस्या नहीं है। दूसरा, इन्होंने बात करी कि भैया हमको छुट्टियाँ नहीं मिलती, तो मैं आपको बता दूं राहुल गांधी जी, आपको जो मोदी जी ने बालक बुद्धि कहा है ना, मेरे को लगता है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको जो बात बोलते हैं ना आप मान लेते हैं, आप अपनी तरफ से कोई रिसर्च करते नहीं क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक लोको पायलट को 40 छुट्टियाँ मिलती हैं एक साल के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें त्योहारों पे, तो त्योहारों के समय में जानबूझ के किसी भी लोको पायलट को छुट्टी नहीं दी जाती क्योंकि उस समय वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लोग इधर से उधर अपने गांव अपने शहरों में जा रहे होते हैं, शहरों से अपने गांव जा रहे होते हैं और उस समय वर्कलोड ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि दिवाली या ईद जैसे त्यौहारों पर रेलवे को एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलानी पड़ती हैं ताकि आम जनता परेशान ना हो। पर उसके एवज में मैंने आपको बताया कि रेलवे बकायदा उनको कमीशन भी देती है, तो जब ये सब सुविधा मिल रही है उसके बावजूद आप कैसे लोको पायलट्स के ऊपर या सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? खैर दोस्तों, इस वीडियो में बकायदा सोशल मीडिया पे भी बहुत लोगों ने ट्रोल करा, कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी 8-8, 9-9, 10-10 कैमरामैन लेके वहाँ पहुँचे थे और बकायदा वहाँ पे स्टाफ को ये बताया गया था कि एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। कई जो राजधानी, जैसे ये ड्राइवर साहब है राजधानी के, इन्होंने तो बकायदा ये तक बोला कि मैं राजधानी के ड्राइवर हूँ, जितने भी लोको पायलट से राहुल गांधी ने बात करी थी उनमें से शायद कोई भी लोको पायलट नहीं था, वो सब एक एक्टर थे या फर्जी थे। अब ये मैं कोटा से ट्रेन लेके नई दिल्ली आया था, सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे, उसके बाद हम लोग जाके सो गए 12:30 बजे करीब, खाना खाने के बाद मैं नीचे उतरा, नीचे आके देखा काफी लोग भाग रहे हैं, टीटी रहे हैं उनकी साइड में, भीड़ काफी लग रही है गेट पे, आरती अभी थी, काफी लोग थे यहाँ पे इकट्ठा। तो जब मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि कोई फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो मैं जाके देखा वहाँ काफी कैमरामैन लगे हुए थे और लोको पायलट की ड्रेस में काफी लोग राहुल गांधी के आसपास के टिकट बैठे हुए थे, तो मैं भी भीड़ में आके खड़ा हो गया वहाँ पर देखने के लिए, उत्सुकता से कि क्या है क्या नहीं। बाकी मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा, ये लोग कौन है, ये लोको पायलट की ड्रेस में पहली बार देखा है। मैं राजधानी का ड्राइवर हूँ, बाकी मैं किसी को इनको जानता नहीं, बाकी पीली टी शर्ट पे जो मेरी फोटो थी, क्यों मैं भीड़ में जाके खड़ा हो गया देखने के लिए, उत्सुकता
बाद में ही अंदर उत्सुकता होती है भाई क्यों भीड़ लग रही है, क्या है, कोई फिल्म, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कई लोग बोल रहे थे। फर्जी थे कि नहीं थे ये एक जांच का विषय, इस पर जांच होनी भी चाहिए। बकायदा रेलवे ने भी ये बात बोली थी कि जितने भी उस इंटरव्यू के अंदर या उस वीडियो के अंदर लोग दिख रहे थे वो लोग को पायलट नहीं थे, वो सब फर्जी थे। खैर ये एक रेलवे का हमारी सरकार का एक जांच का विषय, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, इस पर जांच होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का काम अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि बकायदा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए कि वो लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। खैर जाँच होगी तो निकलगी भी सामने आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इस तरह की भ्रामक खबरें और इस तरह की वीडियो दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 70-75 साल कांग्रेस ने वैसे ही देश को बहुत लूटा है, बहुत बेवकूफ बनाया और अब दोबारा ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि इनकी 99 सीटें आ गई है कांग्रेस की, तो अब ये शायद बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। परंतु मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, कांग्रेस ने जो हाल आम जनता का करा है वो लोग कभी नहीं भूलेंगे और मुझे नहीं लगता कि शायद इस जन्म में राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी जो भी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।